और सीतामढ़ी जिले में लोग एक कुदरत के कहर से परेशान हैं। उस पे बाढ़ राहत का लाभ लेने के लिए उन्हें पापड़ बेलना पड़ रहा है। बेलसंड प्रखंड के डुमरा ननौरा पंचायत के वार्ड नंबर 10 की वार्ड सदस्य गीता देवी के पति गणेश राम द्वारा बाढ़ राहत की सूची में नाम जोड़ने के उद्देश्य से अवैध वसूली की जा रही है। 50 रुपए प्रति परिवार लिया जा रहा है। इस संबंध में फोन पे शिकायत की गई तो गणेश राम ने कहा कि सीओ साहब तक पैसा देना पड़ता है, ऑफिस में ऑनलाइन करने के लिए खर्चा होता है, अब नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। अब इसका ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में एक बात तो साफ हो गई कि कैसे किसी भी लाभुक को लाभ लेने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार चरम पे है। गणेश राम से कोई दिक्कत है? हम कर रहे हैं। तो कौन स्टाफ बताया? उसी स्टाफ से ना पूछेंगे 50 रुपया क्या चीज का ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, हम उसे बात करा देंगे आपका। नहीं नहीं, अभी हम पता किए हैं तो मुखिया जी, पंचायत का मालिक मुखिया होता है, वो बोले कि नहीं ऑनलाइन कुछ नहीं होता है। तो हम कहे कोई पता कर लेते हैं, कहीं वार्ड मेंबर साहब को मिले होंगे पर्सनल कहीं से, तो हम लोग भी करवा लेंगे ऑनलाइन। हाँ, तो जो आदमी से नहीं जरूरी होगा वो उनको हम कागज दे देंगे, अपन जाके करा लेंगे। नहीं नहीं, जब आपके पास आप टोला का मालिक है, वार्ड मेंबर है, तो आपको जो उचित होगा, जो आपको लगता होगा तो वो लोग देवे करेगा। पर हम सुने हैं कि ऑनलाइन का नहीं होता, इसलिए कंफर्म करते हैं कि 50 रुपया कहाँ लगता है ऑनलाइन। हम 50 रुपया हम आपको देने में क्या आता, हम भी देंगे। नहीं, जिनको तकलीफ होगा वो अपने जाके जमा कर लेंगे। तकलीफ नहीं, जब जो सस्ता होगा वहाँ देने में कोई दिक्कत ना। आप बोलिए, आपको पता, आपको बोले ना सीओ साहब कि हाँ 50 रुपया लगता है ऑनलाइन के। ठीक है, हम 50 रुपया हम भी देंगे, हम पता करते हैं कि 50 रुपया लगता है कि ना। ठीक है, वो पता कर लीजिएगा। ठीक, तो जैसे पंचायत का मालिक मुखिया होता है वो बोले कि ऑनलाइन का कोई चक्कर ना, 50 रुपया नहीं लगता है। हमारा साथ में ये प्रॉब्लम है कि मतलब हम तो गरीब व्यक्ति छी, अब वार्ड में जीत गए, हम चाह रहे कि जनता के कोई काम करके दिखावे के लिए। तो यहाँ पर गोपाल जी है तन लड़का, वो सचिव में खड़ा रहन, वो बोलन कि जो हमको सचिव नहीं बनाइएगा तो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो सचिव नहीं बने। इसके कारण हमको ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं जिधर इधर उधर जा रहे हैं घास भूसा खेती पथारी माल जाल के लिए, तो इधर उधर साइड से मतलब कि ये बात सुन करके झूठ फूस में ऐसे लफड़ा लगाते हैं और गाली गलम करते हैं कि ऐसे कर देंगे। ओकरा बाद हमको पति इधर उधर कहीं रोड रास्ता में बड़ बाजार में निकलते हैं तो आदमी फिट कर देता है कि उसको ऐसे करो वैसे करो। ये सब न हो के चाहिए, मतलब हम जनता के मतलब अच्छा करे के लिए चाह रहे थी। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला आपका कब से चल रहा है? ये मामला हो गए कि जब से ये सचिव बनल ना तब से ये मामला चल रहा है। अभी ये ऑडियो वायरल हुआ है, अभी से वो ऑडियो वायरल हुआ है। आपके हस्बैंड है क्या है? उसे मुझे नहीं पता है, लेकिन वो हस्बैंड के ही वॉइस है। लेकिन उसमें क्या मामला है ऑडियो में, उसका राज क्या है? राज ये है कि से जब हमारा सचिव न बने लगता हम कोई ऐसा काम पंचायत में वार्ड में न हो दे। नामो निशान ना है तो 50,000 रुपया हम दिल्ली 50,000 रुपया अच्छा 50,000 तो हमरा तो अगर पते ना मालूम है तो हम 50,000 रुपया दिल्ली केकरा। अभी जो आपके वार्ड का आचरण लगाया गया कि 50 रुपया लेके वो काम करते हैं, हाँ। तो सही बात है? सही बात कैसे है? तो सही बात जब रहती है तो इतना जनता जुटती है कैला अपने की नाम भेलाके बंगाली राम वार्ड वार्ड 10 नंबर। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया गणेश राम पर अच्छी से अच्छी जांच करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अधिकारी से ही हमारा अनुरोध है कि जो गलत किया है उसको हथकड़ी लगवाने का कार्य किया जाए। जी ये बिल्कुल झूठ बात है। जो यहाँ का जनता से, किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि किसी ने 1 रुपया दे के कोई काम करने के लिए कहा इच्छुक है, उसके लिए नहीं। वार्ड मेंबर का काम होता है कि जनता का सेवा करे। अभी वर्तमान में हम सचिव है, हम दोनों का काम है कि कोई भी जनता का 10 नंबर वार्ड का कोई भी जनता का काम हम उनको लेके ब्लॉक तक आगे बढ़ाएं कि उनका काम किया जाए। लेकिन कभी भी किसी गरीब जाति को, हरजन जाति को आप दबाव देके कहिएगा कि हम काम नहीं करने देंगे, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि से हम जनता का सेवा करने आए हैं और 5 साल जनता का सेवा